वर्डा के पात्रा में चल रहे सक्षम कौशल विकास योजना के गर्ल्स हॉस्टल में सेंटर के अधिकारी द्वारा शोषण का मामला सामने आया है, जिसमें प्रशिक्षण संस्था के छात्र छात्राओं ने मिलकर पुरजोर विरोध किया है। साथ ही बताया कि गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और सेंटर अधिकारियों को मिली भगत से चोरी छुपे लड़की के बाथरूम से अमानवीय वीडियो बनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि भोजन, पीने का पानी आदि समस्याओं से छात्र छात्राएं जूझ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, जो भी खाना मिलता वो ठीक तरह से नहीं मिलता, किसी दिन कुछ मिलता है, किसी दिन कुछ मिलता है, और ऐसा रात में होना चाहिए कि रोटी मिलना चाहिए। सरकार द्वारा सब सुरक्षा यहाँ पे दिया जाता है, मगर यहाँ से कोई सुरक्षा स्टूडेंट को नहीं दिया जाता, सब यहाँ दबा के रख दिया जाता है। नहाना स्टार्ट किए तब देखते हैं किसी का कैमरा ऑन था, फोन था, हाथ भी था, मोबाइल हाथ में मोबाइल भी था। जब वो चिल्लाई तो हम लोग भी गए, गेट अंदर से लॉक था, गए वहाँ। उसके बाद हम लोग बोले कि क्या हुआ, तो वो उसके बाद खोले, हम लोग को बताई, तो फिर हम लोग डायरेक्टली सर को फोन करके बताए सर ऐसा ऐसा बात है। बोलने के बावजूद भी सर 2 घंटा लेट लग के आए, उसके बाद भी सर 2 घंटा लेट के आए, ये बोला जाता है कि अगर बिल्कुल बन गया तो क्या। सर से हम लोग